मजे के अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है टेस्ट कबाब? कैसे हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको लेकर आए हम लोग सूफ़ी रेस्टोरेंट पेशावर पर इस्लामाबाद में, जो कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ का खाना है। और यहाँ की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, बहुत पहले आके मैंने यहाँ एक दफ़ा चिकन कढ़ाई खाई थी। तो आज बच्चों को लेकर भी इसलिए यहाँ पर आए, उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी आउटिंग कर ली जाए और थोड़ा सा घूम फिर लिया जाए कि देखें क्या कुछ इन्जॉयमेंट हो जाए, क्योंकि पेपर्स में बहुत टेंशन वाले दिन होते हैं, एनुअल पेपर्स थे। तो खैर हम लोग आ गए और ये देखिए इनका मेन्यू है, हर किस्म की वैरायटी जो है, बारबेक्यू, टिक्का, ये कढ़ाई और सब कुछ जो है ना इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे, सब्ज़ी दाल तो सब कुछ है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त है। और आप लोग आइएगा ज़रूर और यहाँ पे देखिएगा। अभी जब हम लोग आए तो रात को तकरीबन 8:30-9 बज रहे थे और बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, तकरीबन फुल था इनका सारा, बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, काफ़ी हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद फाइनली इन्होंने हमें बाहर चेयर्स लगा दी कि आप थोड़ी देर वेट करें, जैसे ही अंदर फैमिली हॉल फारिग होता है तो हम वहाँ पर बैठेंगे। तो बाहर वेट करने के बाद हमें खैर फाइनली एक फैमिली गई और हम लोग फैमिली हॉल में आके आप बैठ गए और हमने जल्दी से चिकन टिक्का बच्चों के लिए और अपने लिए जो है वो चपड़ी कबाब का ऑर्डर किया। फैमिली हॉल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट था और सर्विंग भी और सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने किया। साथ में चटनी, रायता और सैलेड वगैरह भी था। इसके साथ ही चिकन टिक्का का जो टेस्ट था ना, मुझे पर्सनली जो है वो चिकन टिक्का बहुत मज़ा किया, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी था और टेस्ट उसका बहुत ज़बरदस्त था। मतलब चिकन टिक्का का ऐसा टेस्ट मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया। कैसे हैं पीस? बच्चे तो बिल्कुल चपली कबाब ट्राई नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक एक दफ़ा लिया और उसके बाद, क्योंकि चपली कबाब है ना स्पाइसेस थोड़ी लाइट थी, बहुत मतलब बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छा था इस वजह से, क्योंकि वैसे हम नॉर्मली अगर चपली कबाब खाते हैं तो वो काफ़ी बोझते जाते हैं, काफ़ी हैवी हो जाते हैं खाने में। मजे के अब्दुल्ला, कैसा है टेस्ट कबाब? कैसे हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं। आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर आइएगा यहाँ पे और ट्राई कीजिएगा कि यहाँ का आपको खाना कैसा लगता है। और मैं चिकन कढ़ाई भी इनकी ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि बहुत ज़बरदस्त है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल खाना इनका टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है। आप कब से काम कर रहे हैं अंकल? हो गए 40 साल। 40 साल से यहीं पे हैं? किसी जगह में। अच्छा। अच्छा।
अच्छा, इनके जो स्पाइसेस वगैरह हैं ये अपने स्पेशली जो है ना अपने बने हुए स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं, चाहे चपड़ी कबाब है या चाहे वो कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं या वो चिकन टिक्का बना रहे हैं या बारबेक्यू बना रहे हैं, तो जिस चीज़ का भी स्पाइसेस हैं वो ये लोग अपने खुद ही बनाते हैं, उसमें मतलब उनका मिक्सचर वगैरह सारा कुछ इनका अपना होता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा तो सोफ़ी रेस्टोरेंट पेशावर मोड़ इस्लामाबाद का। आप मुझे बताइएगा कि आप भी यहाँ पे आ चुके हैं या नहीं, अगर नहीं आए तो एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो देख के आपको कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक कर दें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुझे देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो किसी अच्छे व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।